इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एमएस वर्ड में ओल्ड डॉक्यूमेंट को रिपेयर करके क्लीन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करें, वर्ड टाइप करें, एंटर बटन प्रेस कर दें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें। अब आप जिस भी इमेज को रिपेयर करना चाहते हैं उस इमेज को इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के लिए फाइल में आना है और आप जो भी डॉक्यूमेंट को रिपेयर करना चाहते हैं उसे एमएस वर्ड में ड्रैग कर लें। अब इसे पूरे पेज में कुछ इस तरह से फिट कर लेना है। पोजीशन में क्लिक करेंगे और इसे मिडिल सेंटर कर लेंगे। अब फॉर्मेट टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पिक्चर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज का आइकन दिखेगा, इसमें क्लिक करना है। पिक्चर करेक्शन में क्लिक करना है, यहाँ पर एक प्रीसेट दिखेगा तो इसमें से एक को कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट क्लीन हो जाएगा। अब इसे पीडीएफ में सेव कैसे करें, उसके लिए सेव में क्लिक करें, यहाँ पे ब्राउज कर लें, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं लोकेशन सेलेक्ट करें, फाइल का नाम टाइप कर लें यहाँ पे, जैसे कि हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे सेव एज टाइप है, इसमें क्लिक करें और यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट करें। अब सेव कर लें तो यह पीडीएफ में सेव हो जाएगा।